हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रीलिम्स हाई यील्ड सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। इसका एम यही है कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो कंफर्टेबली बिना किसी टेंशन के सिविल्स का ही नहीं इवन फॉरेस्ट का भी प्रीलिम्स क्लियर कर जाएं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है कि कैसे कम से कम पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। वही आप देखेंगे, इसका मोटो भी है, स्टडी लेस स्कोर मोर। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो प्रीलिम्स हाई यील्ड सीरीज है उसमें हम करने क्या वाले हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उसमें हम क्या देखेंगे। सबसे तो पहले इसका एम ये है कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो इसे देख रहे हैं उनको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना जिससे कि वो सिविल्स और फॉरेस्ट दोनों की कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकें। और आप मेरे पे यकीन कर सकें क्योंकि तो मैं कभी भी प्रीलिम्स में फेल नहीं हुआ हूँ। मैं सिविल्स और फॉरेस्ट दोनों का ही प्रीलिम्स हर बार बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे कम से कम टाइम में, सही है, ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आप करते रहें और आपको जस्ट एक दो बार ये वीडियोस देखनी है और आपके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हम इसमें PYQs भी एनालाइज करेंगे और हम ट्रेंड देखेंगे कि अभी तक UPSC ने क्या पूछा है, कौन से एरियाज को ज़्यादा वेटेज दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट के साथ बस उन ट्रिक्स को यूज करके अपना स्कोर प्रीलिम्स में मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बहुत इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज जो हम सब इग्नोर करते हैं वो है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा पेपर दिए हुए 2 घंटों में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जरूर देख लेते हैं कि हमारी सिविल्स और फॉरेस्ट इनके प्रीलिम्स की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में कितनी गई है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो 2021 में हमारी कट ऑफ 87.54 गई थी, वेयर एज 2020 में ये 92.51 थी और 2019 में 98 थी फॉर जनरल कैटेगरी। तो हम अगर एक एवरेज निकालें तो ये लगभग लगभग 90 से 95 के करीब आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो केवल 45 से 48 क्वेश्चन थे जो हमारे नेट करेक्ट होते, हम उसके बदौलत सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते। वहीं अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो हमारी कट ऑफ है वो 105 से 110 जा रही है, यानी कि नेट पॉजिटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो है 53 से 55। अब यहाँ सीखने की बात क्या है, सीखने की बात यह है कि लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे पड़े रहते हैं, पर हमें पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं कवर करना। हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन नेट करेक्ट मार्क करने हैं वहां पर और हम इजिली अपनी सिविल सर्विसेज की कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आप इम्पॉर्टेंट एरियाज को और स्कोरिंग एरियाज को बार बार पढ़ें रैदर देन रनिंग आफ्टर ईच एंड एवरी करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। आप कुछ पोर्शंस को छोड़ भी सकते हैं तो भी आप इजीली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। और एक चीज आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है वो है लेस इज मोर इन सिविल सर्विसेज, लेस इज मोर। तो एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड देख लेते हैं कि कौन से एरियाज में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ मैंने टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस लिस्ट करे हैं जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चंस पहले 13-14 आते थे, फिर एकदम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुआ, देन लास्ट ईयर केवल 9 क्वेश्चंस आपको उस एरिया से देखने को मिले। वहीं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमी करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स में से लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक में से हमें अभी तक 11-12 क्वेश्चंस आते थे बट लास्ट ईयर इसका वेटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ गया और 15 क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिले। वहीं एग्रीकल्चर्स में से ऑन एन एवरेज 5 से 6-8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ उनके क्वेश्चंस लिस्ट करे हुए हैं। बट यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कहूँ जो आपको देखनी चाहिए वो आपको इन लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान देना है जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जैसे कि क्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ हमेशा स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। आपने अपनी लक्ष्मीकांत कर ली, आपने अपनी NCERT कर ली और ये 9 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। वही हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में अगर आप मॉडर्न पढ़ लें एंशियंट पढ़ लें तो कम से कम 8 क्वेश्चन आप बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे। साइंस एंड टेक, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चन सही में से सही करके आएंगे, अगर 10 नहीं तो कम से कम 8 क्वेश्चन आप उसमें से करके आएंगे। एग्रीकल्चर, इसकी भी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा,
10 में से 9 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे। और अगर इन्हीं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इनका अगर हम सम करें तो हमारे 46 क्वेश्चन यहीं से आ जा रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी 50% क्वेश्चन हमारे कोर टॉपिक्स में से आ रहे हैं, यानी कि 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर टॉपिक्स में से थे जिन्हें आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो यानी कि 56 क्वेश्चंस, ठीक है, 56 क्वेश्चंस आप बहुत ही मिनिमल एफर्ट से सॉल्व कर सकते थे, और वही सारी चीजें हम इन वीडियोस में भी कवर करेंगे। और अभी हमने कट ऑफ क्या देखी, 45 से 48 क्वेश्चंस। अगर आप 56 नेट पॉजिटिव ला रहे हैं तो सिर्फ इस सीरीज के भरोसे ही आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जरा देख लेते हैं कि जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स इनकी बातें कर रहा हूँ वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और इस सीरीज में किस तरह से हम इन चीजों को कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 2016 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप इसमें देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रीज लाइटनिंग GL10 रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब ये एकदम रैंडम जीके है, बहुत ही रेयर चांस है कि किसी ने इसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको इन्हीं ट्रिक्स और लॉजिकल गैसिंग का यूज करना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये है क्या ग्रीज लाइटनिंग, ऑप्शन हमें देखते हैं जरा, ऑप्शन क्या है भाई, कुछ ध्यान आ जाए। इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, सोलर पावर टू सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो। तो हमें यहाँ जो ट्रिक यूज करनी थी उसे बोलते हैं इटाइमोलॉजी। यहाँ हम टर्म्स में कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे और नाम और किसी भी वर्ड और उसका जो मीनिंग है उन्हें हम एसोसिएट करेंगे, या वर्ड का जो रूट है उसे कोरिलेट करके हम अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें क्या लॉजिकली सोचना था, हमें ये सोचना था कि भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंग्लिश नेम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रख रही है ना, ग्रीज लाइटनिंग इंग्लिश नाम है ना ये। तो अब इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, या तो US हो सकती है या इसरो हो सकती है, क्योंकि चाइना जापान इनके नाम हमें पता है, बायडू चेंगडू इस तरह के नाम होते हैं। तो ये तो दोनों भैया हमारे कैंसिल हो गए। अब इसरो और नासा में से, इसरो हमें पता है कि जो उसके नाम होते हैं जनरली चंद्रयान मंगलयान कुछ इस तरह के, संस्कृत हिंदी मिक्स करके इसरो अपने मिशंस के नाम रखता है। तो हम यहाँ से इजीली आंसर कर सकते थे कि इसका आंसर नासा ही होगा। दूसरा रीजन क्या है कि हम इसरो को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसरो ने अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट किया होता तो जनरली हमने उसके बारे में सुना ही होता। तो इसलिए भी हम ये डबली श्योर हो सकते हैं कि इसका आंसर इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा ही है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें पी वाई क्यूज हम एनालाइज करेंगे। मैं आपको नंबर ऑफ ट्रिक्स दूंगा जिससे आप बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए अपने 20 नंबर कम से कम प्रीलिम्स में बढ़ा लेंगे। यही हमारा पहला लेक्चर था। अब जरा देखते हैं कि आगे जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हमारी डिटेल वीडियोस आएंगी जो हर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वही जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमने कहा उसको कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स। फिर मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 20 से 25 नंबर तक अपना स्कोर विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट प्रीलिम्स में बढ़ा लेंगे। और एक वीडियो डेडिकेटेडली मैं बनाऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप कई लोग इस चीज की इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझेंगे, कई लोग दो तीन बार जब प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाते तब समझते हैं। मैं चाहता हूँ आप में से किसी के साथ भी ये गलती ना हो और आप बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर जाएं। तो ये वीडियो एक हम बनाएंगे। इसके अलावा कई लोग GS में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं पर वो बेचारे CSAT में अटक जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा CSAT के भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं एक वीडियो बना दूँ, तो एटलीस्ट CSAT में कोई फेल ना हो। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।